तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत्याकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी कल वादा किया था मैंने कि आज आप लोगों के मेल और बाकी सारी चीज़ें नोट करके लेके आऊँगा तो वादे के मुताबिक लेकर आया हूँ कल जल्दी में था आज कोई ऐसी जल्दी नहीं है तो आज पूरी कहानी अपने हिसाब से इस कहानी की बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी लेकिन ये कहानी दो हिस्सों में अलग अलग है दूसरा हिस्सा फिर कभी सुनाऊँगा बांग्लादेश का जब जन्म हुआ तो बांग्लादेश के जो संस्थापक बांग्लादेश के जो पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान करीब तीन साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज़ रहे एक बड़ा नाम बांग्लादेश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान और अभी हाल में सौ साल का कुछ वो भी मनाया गया था जश्न तो किस तरीके से बांग्लादेश के गठन के बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया जाता है यानी कि बांग्लादेश के उस वक्त वो प्रेसिडेंट है सिटिंग प्रेसिडेंट तो ये कहानी की वो कत्ल क्यों हुआ कैसे हुआ उसके पीछे क्या वजह थी ये किसी दिन और किसी नए एपिसोड में सुनाऊँगा लेकिन आज की कहानी इसी कत्ल से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि ये पहले सुनानी चाहिए क्योंकि इस कहानी को बांग्लादेश में ख़ासतौर पर इसको जेल किलिंग डे के नाम से इस कहानी को याद किया जाता है बांग्लादेश के इतिहास में किसी जेल के अंदर ऐसा खून खराबा इससे पहले कभी नहीं हुआ जेल के अंदर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एक शेख रहमान के सबसे करीबी चार लोग जिसमें उस वक्त के आर्मी के कैप्टन भी अवामी लीग पार्टी के सारे सीनियर मेंबर, एक तरह से संस्थापक और इनको जेल में मार दिया जाता है इनका कत्ल होता है कहानी उसकी है लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल से तो पहले थोड़ी सी झलकियां उसकी बांग्लादेश के गठन के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारी उम्मीदें थीं लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश की माली हालत ख़राब होती जाती है बहुत सारे फिर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब शेख मुजीबुर रहमान बाकी सारी अपोजिशन पार्टियाँ और ये उन सब चीज़ों को एक तरह से ख़त्म कर देते हैं और एक ही पार्टी का रूल और राज आता है जिसको लेके बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ भी हो गए थे और वो फिर अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इसी दौरान में शेख मुजीबुर रहमान के तख्ता पलट की कोशिश होती है जिसमें कुछ बड़े लीडर शामिल होते हैं और आर्मी के लगभग ज़्यादातर टॉप ऑफिशियल जो थे वो भी इस कू में शामिल थे शेख मुजीबुर रहमान को रास्ते से हटाने में और इसी प्लानिंग के तहत फिफ्टीन अगस्त जब भारत में हमारी आज़ादी का दिन होता है 1975 सेवेंटी पंद्रह अगस्त 1975 की सुबह सुबह प्रेसिडेंट हाउस में जहां पे शेख मुजीबुर रहमान रहते थे वहां पे पूरी आर्मी की टीम पहुंचती है अफसर पहुंचते हैं एकदम तड़के और उसके बाद सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के बेटे को फिर शेख रहमान को उनके दो और बेटों को उनकी पत्नी को उनकी दो बहुओं को उनके भाई को और घर के बाकी नौकर को भतीजे को कुल मिलाकर 20 लोगों को गोलियों से भून देते हैं और इसके बाद वहाँ तख्ता पलट हो जाता है और उसके बाद खोंडकार मुश्ताक अहमद ये बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बनते हैं खोनकार मुश्ताक अहमद के ऊपर शक है कि इस पूरे बल्कि लोग मानते हैं कि शेख मुजीबर रहमान को रास्ते से हटाने और उनकी सत्ता को हिलाने के पीछे जो साजिश रची गई थी उसमें से एक खोनकार मुश्ताक अहमद भी थे खोनकार मुश्ताक अहमद जो वहाँ पे जब शेख मुजीब रहमान का कत्ल होता है तो उसके बाद ये वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और 6 नवंबर 1975 तक 6 नवंबर मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर करीब चार महीने के लिए प्रेजेंट रहते हैं लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे उनका हाथ और भी कई ऐसे नेता पॉलिटिशियन उनका हाथ आर्मी के लोग उनका हाथ तो ये ये कहानी डिटेल में फिर कभी अभी शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद अब आर्मी के अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग, 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 अलग जगहों पे जाती है और शेख मुजीबुर रहमान के जितने ख़ास और करीबी लोग हैं उनको एक एक करके उठाया जाता है कुछ को मार दिया जाता है तो ऐसी ही एक टीम पहुंचती है इस खून खराबा के करीब तीन से चार घंटे के बाद 15 अगस्त 1975 को ही और ये टीम पहुंचती है ताजुद्दीन अहमद के घर ताजुद्दीन अहमद की कहानी ये है कि ये बांग्लादेश के जब बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर आज़ाद नहीं हुआ था और उस वक्त भारत में बांग्लादेश की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी क्योंकि पूरी तरह से पाकिस्तान से आज़ादी मिली नहीं थी तो इसलिए भारत में रहकर एक अंतरिम सरकार बनाई गई और उस सरकार में जो ताजुद्दीन अहमद है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और बाद में फिर शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्हीं ताजुद्दीन अहमद साहब को बाद में शेख मुजीब रहमान ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया वित्त मंत्री और उस वक्त ये जो खोंडकार मुश्ताक अहमद थे जब भारत में अंतरिम सरकार बनाई गई थी बांग्लादेश की पहली आज़ादी से ही पहले जिसमें ताजुद्दीन अहमद प्राइम मिनिस्टर थे उस सरकार में खोंडकार मुश्ताक अहमद को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था विदेश मंत्री और कहते हैं कि उस वक्त विदेश मंत्री के तौर पर खोंडकार मुश्ताक अहमद को यूएस जाना था लेकिन ताजुद्दीन अहमद उस वक्त चूँकि प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें कहीं से खबर मिली कि खोनकार की सीआईए के साथ कोई एक साँगाठ हो गई है और वो अमेरिका जाकर सीआईए के साथ मिलकर पाकिस्तान से फिर से कुछ ऐसी चीज़ या पैक्ट करने वाले हैं जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है और इसीलिए उन्होंने एंड टाइम पर खोनकार मुश्ताक अहमद को अमरीका जाने से रोक दिया बतौर विदेश मंत्री और किसी और को भेज दिया कहते हैं इससे खोनकार मुश्ताक अहमद पर्सनल निजी तौर पर ताजुद्दीन अहमद से सख्त मतलब गुस्सा और एक तरह से नफरत भी करने लगी ये कहानी का दूसरा पहलू था तो शेख मुजीबर रहमान के कत्ल के बाद एक टीम पहुंचती है अगले तीन चार घंटे में ताजुद्दीन अहमद को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया जाता है पूरी फैमिली के साथ नजरबंद करने के बाद एक हफ्ता गुजरता है पंद्रह अगस्त के बाद बाईस अगस्त आ जाता है बाईस अगस्त को कुछ सीनियर अफसर पहुंचते हैं ताजुद्दीन अहमद के घर पर और कहते हैं कि शेख रहमान के कत्ल की साजिश के सिलसिले में बात करने के लिए प्रेसिडेंट खोनकार मुश्ताक अहमद ने उन्हें बुलाया है तो चलिए प्रेसिडेंट हाउस और वहां पे बात करते हैं लेकिन आप अपने कपड़े भी साथ रख लीजिए तो उनकी वाइफ को लगता है कि जब ये बातचीत करने के लिए ले आए तो कपड़े क्यों बोल रहे हैं कि साथ ले चलो तो इस पर ताजुद्दीन अहमद बताते हैं कि शायद अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा अपनी बीवी से कहते हैं और इसके बाद वो घर से निकल जाते हैं उनको ले जाया जाता है लेकिन वो प्रेसेंट से मिलाने नहीं ले जाया गया उनको सीधे वहाँ से ढाका सेंट्रल जेल ले जाया जाता है और ढाका सेंट्रल जेल में उनको बंद कर दिया जाता है जब वो ढाका सेंट्रल जेल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अवामी लीग के और भी लोग हैं लेकिन रहमान शेख मुजीब के जो सबसे करीबी लोग और उस अवामी लीग पार्टी के जो सबसे फाउंडर मैंबर्स जितने भी थे उनमें से ताजुद्दीन अहमद के अलावा तीन और अहम नाम थे जो बहुत ही करीबी थे एक सैयद नजरुल इस्लाम, एक कैप्टन मंसूर अली और एक कमरुज़मा ये तीनों और ताजुद्दीन अहमद चारों शेख रहमान के बिल्कुल क्लोज़ करीबी और पॉलिटिकल पार्टी के उनके सबसे फाउंडर मेंबर्स ये सभी ढाका की उसी सेंट्रल जेल में बंद थे और इनको वहीं पे एक साथ बंद करके रखा गया था वजह ये थी कि शेख मुजीब के कत्ल के बाद ऐसा लगा कि उनके जो आसपास के लोग हैं करीबी लोग हैं बगावत ना करें या कुछ और चीज़ें ना करें इसलिए इस पूरी इस पोलिटिकल सिस्टम और उसके जितने टॉप लीडर हैं इन सब को ख़त्म कर दिया जाए और इन सब को अलग थलग कर दिया जाए ये सोच कर ही इनको वहाँ पर रखा गया बाईस अगस्त को ले जाया गया ताजुद्दीन अहमद को इसके बाद सितंबर आता अक्टूबर आता इस दौरान में उनकी बीवी उनके भाई बांग्लादेश की अदालत में पहुँचते हैं कहते हैं कि इन ताजुद्दीन अहमद का कोई कसूर नहीं है कोई केस नहीं उनके खिलाफ फिर क्यों जेल में रखा गया मुकदमे की सुनवाई चलती रहती है पाँच नवंबर 1975 को फिफ्थ नवंबर 1975 को ताजुद्दीन अहमद की जेल में रहने के ऊपर वहाँ की कोर्ट में सुनवाई होनी थी कि उनको रिहा किया जाए या नहीं एक नवंबर 1975 को ताजुद्दीन की वाइफ आखिरी बार उनसे मिलने वहाँ पहुँचती है जब वो पहुँचती हैं तो वो वो बताते हैं कि शायद मैं इस जेल से कभी ज़िंदा बाहर नहीं आऊँगा बट वो कहती है नहीं हम कोर्ट में केस लड़ रहे और आप आज़ाद हो जाएंगे एक नवंबर के बाद दो दिन बीतता है तीन नवंबर की सुबह तीन बजे के करीब बंग भवन ढाका से वहाँ की आर्मी के मेजर रशीद वो एक फ़ोन घुमाते हैं और ये फ़ोन घुमाया था उन्होंने ढाका सेंट्रल जेल के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद नूरोज़म को फ़ोन करने के बाद वो से कहते हैं कि सेंट्रल जेल में चार इस नाम के क़ैदी हैं एक ताजुद्दीन अहमद दो नजरुल इस्लाम तीन कैप्टन मंसूर अली चार कमरुज़्ज़मा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल को एक मेजर प्रेजेंट हाउस से फोन करके और कहता है कि ये चारों कैदियों को एक साथ रखना होगा आपको और रात को सेना की वर्दी में कुछ लोग जेल पहुंचेंगे ये तीन बजे सुबह की बात है कुछ देर के बाद तो लोगों से इन्हें मिलाना है ये कहकर मेजर रशीद फोन रख देते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अब इसके बाद जेलर को फ़ोन करता है और जेलर से यही चीज़ रिपीट करता है कि आप जेल पहुंचो मैं भी आ रहा हूं प्रजेंट हाउस से फ़ोन है और इन चार कैदियों से मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं जेलर इन चारों के बारे में अच्छे से जानता था कि ये कौन लोग हैं क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और सभी शेख मुजीब के करीबी और अवामी लीग के बड़े नेता फाउंडर मेम्बर्स अब इसके बाद फोन रखने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और जेलर दोनों लगभग एक साथ ढाका सेंट्रल जेल पहुंचते हैं ढाका सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद सबसे पहले पूछा जाता है कि ये चारों कहाँ हैं और इनको एक साथ लेकर आया जाए अब ये लोग पहुँचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ इनको लाया जाए लेकिन अभी पहले उनसे जो मिलने वाले हैं उनको मिलने के लिए बुलाया जाए इसी बीच में इधर दूसरी तरफ एक दूसरी चीज़ होती है जो जेलर को पता थी ये बात हुआ ये था कि इस वाकये से एक शाम पहले दो नवंबर को शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल को लेकर उनके कातिलों को पकड़ने के लेकर बांग्लादेश की आर्मी के ही ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ नाम था उन्होंने एक सैनिक विद्रोह टाइप का कर, कर दिया था प्रेसिडेंट के खिलाफ कि शेख मुजीब के कातिलों को पकड़ना चाहिए मतलब खोनकार मुश्ताक अहमद के ख़िलाफ़ और इसके बाद लगा था कि अब मुश्ताक अहमद की सरकार जाएगी और ये विद्रोह जो है सक्सेसफुल हो जाएगा तो दो नवंबर को एक समझौता होता है समझौता ये हुआ ये सारी चीज़ें दो और तीन नवंबर के बीच की कहानी है कि समझौते के तहत खोनकार मुश्ताक प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करेंगे पहला और दूसरा ये कि जो शेख मुजीब के कातिल हैं जिन्होंने मारा है जो आर्मी में थे और ये सारे बदले में उन सब कोई बांग्लादेश से बाहर दूसरे देश जाने के लिए आप रास्ता देंगे और वो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे तो समझौता ये हुआ इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए कि एक तो प्रेसेंट इस्तीफा देंगे और दूसरा जो शेख मुजीब के हथियारे हैं वो बांग्लादेश से आसानी से निकल जाएंगे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा ये दोनों तरफ से डील थी एक तरफ से इस्तीफा दूसरी तरफ से निकल जाने की लेकिन इस डील के साथ एक और शर्त रख दी गई और शर्त मुजीब के हथियारों ने जो बांग्लादेश छोड़कर उस दिन उनको जाना था उन्होंने शर्त ये रखी कि जाने से पहले देश छोड़ने से पहले वो ढाका सेंट्रल जेल जाना चाहते हैं ताकि मुजीब के जो ये चार सबसे करीबी अब बचे हुए हैं इनको मारेंगे और इसके बाद ही वो थाईलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे शर्त मान ली गई इसी के बाद प्रेसिडेंट खोनकार मुश्ताक अहमद इशारा देते हैं मेजर रशीद को मेजर रशीद फ़ोन करते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को ढाका सेंट्रल जेल में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फ़ोन करता है जेलर को और ये सभी लोग करीब रात चार बजे के आसपास ढाका सेंट्रल जेल में जमा होते हैं जब ढाका सेंट्रल जेल में जमा होते हैं, तो जेलर को तब भी वहाँ थोड़ा डाउट था कि ये क्या है क्या, है, क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्योंकि वो अभी कुछ महीने पहले शेख मुजीब का कत्ल देख चुका था तो वो अपने एक सोर्स के जरिए प्रेजेंट हाउस फ़ोन करवाता है और पूछता है कि एक तरह से जेल के अंदर इस वक्त जहाँ अलाउड नहीं है लोग आ रहे हैं और एक कमरे में सबको लाने के लिए कहा गया कुछ गड़बड़ है तो कहते हैं कि उसने फोन मिलाया सीधे प्रेजेंट हाउस में खोनकार मुश्ताक अहमद के यहाँ और उसने कहा कि मैं प्रेजेंट से बात हो सकती है प्रेजेंट ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से फिर ये कहा कि हाँ बताओ तो उसने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें और शायद मुझे डाउट है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने के लिए आ रहे माना तो उसने कहा वो जो ऐसा करना चाहते हैं उन्हें करने दो इसके बाद बात आई गई होती है सुबह चूंकि वक्त था चार साढ़े चार का बज गया था सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे अब एक एक करके सबको उठाया जाता है बल्कि तीन बज के चालीस मिनट पर सबसे पहले एक अबू समाद था जो अवामी लीग का था वो इन चार के नाम में शामिल नहीं था तो वो नमाज़ और कुरान पढ़ने के लिए उठता है बाहर उसे कुछ शोर सुनाई देता है तो वो देखता है कि जेलर और कुछ लोग कैप्टन मंसूर अली को उसको सेल से बाहर निकाल कर ले जाने हैं कैप्टन मंसूर अली पूछ रहा है कि इस वक्त इतनी सुबह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो तो वो थोड़ा उसके साथ मतलब बहस कर रहे थे लेकिन तब तक, तक वो ले गए इसके बाद दूसरे कमरे में कमरजमा दूसरा नेता कुछ लोग आए जेल के स्टाफ और उसको वहाँ से निकाल कर ले गए कमरुज जमा उस वक्त रात का चुके टाइम था और शोरते सिर्फ पैजामा भी थे उनको कमीज भी नहीं पहनने दिया गया उन दोनों को ताजुद्दीन अहमद के कमरे में लाया गया ताजुद्दीन अहमद उस वक्त अपने कमरे में थे और फिर थोड़ी देर के बाद नजर इस्लाम भी उसी कमरे में लाए गए तो अब जो चार लोग थे उन चारों को एक जगह एक ही कमरे में जेल के एक साथ कर दिया गया था जब चारों को सुबह करीब चार बजे के आसपास एक साथ ताजुद्दीन ने अपने कमरे में देखा तो वो समझ गए और कहते हैं कि जो बाक़ी लोग हैं विटनेस हैं इसके ऊपर किताब भी आई है उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि चलो हमारे पास अब वक्त बहुत कम है तो वज़ू कर लेते हैं नमाज पढ़ लेते हैं इसके बाद इन्होंने वज़ू किया तब तक जेलर जो है वो वहीं पे था और अभी वो लोग नहीं आए थे जिनसे मिलवाने की बात थी और जेलर को अभी भी थोड़ा डाउट था कि ये क्यों आ रहे हैं इसी दौरान में ये लोग वजू वजू ख़त्म करते हैं और तभी बांग्लादेश की सेना की वर्दी में कई लोग जेल के अंदर धमक जाते हैं वो सीधे इस कमरे में आते हैं बाकी के जेल स्टाफ उनको रास्ता बताता जाता है और जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं जहां ये चारों एक्स प्राइम मिनिस्टर ताजुद्दीन अहमद सैयद नजरुल इस्लाम आर्मी कैप्टन मंसूर अली कमरुज़म ये चारों एक साथ थे सुबह के करीब चार बज रहे थे बांग्लादेश आर्मी के जवान आते हैं वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं जेलर कमरे में मौजूद है जेलर उन लोगों को देखते ही इन चारों का परिचय ही कराने वाला था और शुरुआत उसने की थी कैप्टन मंसूर से लेकिन अभी वो सिर्फ कैप्टन ही बोल पाया था कितने में वो जो आए उन्होंने जेलर और तमाम स्टाफ को एक साइड में धक्का दिया और अपने ऑटोमेटिक मशीन गन उन चारों को एक तरफ तान दिया और फायरिंग शुरू हो गई कुल साठ राउंड गोलियां चली साठ राउंड गोलियां चलने के बाद ये चारों वहीं गिर गए जेल के अंदर आनंद फानन में साठ राउंड गोली मारने के बाद वो जो आए थे उसी स्पीड में बाहर जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाने लगे तभी पीछे से आवाज आई कि साहब इनमें से अभी दो लोग जिंदा हैं अब वो करा रहे हैं उनकी आवाज आ रही है पानी मांग रहे हैं जब ये सुना जो गोली मारकर वापस जा रहे थे आर्मी के तो वापस आते हैं सिल में और वो दो लोग जो करा रहे थे जिसमें एक कैप्टन मंसूर अली और दूसरे नजरुल इस्लाम वो उन दोनों के वो इस बार चाकू और उसके बंदूक के एक सिरा दूसरा जो भाला टाइप होता है वो उन्होंने पेट पे मारना शुरू कर दिया और उसका जब उन्हें लग गया कि अब ये मर्द क्यों है तो फिर वो सब वापस चले जाते हैं इनके वापस जाने के बाद चारों की लाशें वहीं पड़ी हुई हैं सुबह होते होते ये खबर फैलती है प्रेसिडेंट को ये बात अगले दिन सुबह की बात है खोनकर मुश्ताक अहमद को बताई जाती है खोनकर मुश्ताक अहमद उस वक्त ऐसा वो ज़ाहिर करते हैं कि जैसे उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है फिर सबकी अलग अलग बॉडी उनके घर वालों को सौंपी जाती है और इस दौरान में सुबह होने से पहले जेल से जितने भी जिन लोगों ने गोली चलाई और मारा था जेल के अंदर घुसकर वो सभी सीधे ढाका एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से थाईलैंड की फ्लाइट पकड़ते हैं और बांग्लादेश छोड़ देते हैं इन चारों के कत्ल के बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में फैलती है चूंकि शेख मुजीब के चारों करीबी थे उसको लेके लोगों में गुस्सा था लेकिन उधर समझौता पहले हो चुका था तो प्रेसेंट खोनकार मुश्ताक अहमद इन चार लोगों के कत्ल जेल के अंदर जिसे जेल किलिंग डे के नाम पे आज भी बांग्लादेश में लोग जानते हैं तीन जून को ये एक कत्लेआम हुआ था जेल में और छी नवम्बर को सॉरी तीन नवंबर को हुआ था और उसके तीन दिन के बाद छः नवंबर को खूनकार मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं उसके बाद फिर एक लंबी कहानी है फिर कोई दूसरे आते फिर ज़ियाउर रहमान जो है वो खालिदा ज़िया के जो पिता फिर वो कू होता है फिर और तख्ता पलट होता है फिर वो सत्ता में आते हैं फिर वो लंबा सत्ता चलता है तो शेख हसीना शेख रहमान की बेटी खालिदा ज़िया रहमान की बेटी इन दोनों बेटियों में भी आज तक कभी नहीं बनी और दोनों बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रही हैं कभी भी हैं और एक को अभी शायद चुनाव लड़ने से योग्य करार दिया गया तो इन दोनों की भी कभी कहानी सुनाएंगे लेकिन इसके बाद वो सारे कतिल निकल कर वहाँ से चले जाते हैं बाद में इस मामले की जांच होती है कहा जाता है जांच कराएंगे लेकिन कोई कराता नहीं है क्योंकि एक उंगली ये भी उठी थी कि शेख शेख मुजीब के कत्ल में और वो जो सारी चीज़ें हुई थी तख्ता पलट कहीं ना कहीं रहमान को भी इस साजिश के बारे में जानकारी थी या वो शामिल थे ये उठाया लेकिन इस पर कंक्रीट कुछ नहीं मालूम और शेख रहमान के फैमिली में जब कत्ल हुआ बीस लोग मारे गए उनके तीनों बेटे बहू शेख रहमान के कहते हैं कि अपना कोई रोने वाला नहीं था उनके उनकी लाश पे क्योंकि उनके सारे अपने रिश्तेदारों को मार दिया गया था सिर्फ उनकी दो बेटियाँ बची थीं एक जो भी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और शेख हसीना की एक दूसरी बहन रिहाना इतफाक से या इनकी खुशनसीबी कहिए कि 15 अगस्त 1975 को ये दोनों बहनें वेस्ट जर्मनी में थी और घर पे नहीं थे और इसीलिए इनके अलावा जितने भी घर के फैमिली मेंबर थे चाहे उनके तीनों भाई भाभी बच्चे भाई चाचा सारे बीस लोगों को मार दिया गया था सिर्फ ये दोनों बहनें बच गई थी लेकिन इस कत्लेआम के बाद शेख हसीना और उनकी बहन की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बांग्लादेश लौटे वो वहाँ से सीधे इंडिया आई और 81 तक वो इंडिया में रही 75 के बाद दिल्ली में ही दिल्ली में एक तरह से शरण लेकर और फिर बाद में वो बांग्लादेश गई फिर उन्होंने अपनी पार्टी की कमान संभाली चुनाव लड़ा चुनाव जीता फिर प्रधानमंत्री बनी तो एक अलग कहानी है खैर इसके बाद पूरा मामला चला जब शेख हसीना आई तब उन्होंने इस केस को खुलवाया शेख रहमान के कत्ल की और इस जेल किलिंग की इंसिडेंट को एक लंबा मुकदमा चला पंद्रह लोगों को शेख मुजीब और इन सारे लोगों के कत्ले के लिए कसूरवार ठहराया गया जिसमें सारे बड़े आर्मी के और ये लोग थे लेकिन खोनकार मुश्ताक अहमद की नेचुरल डेथ हो गई इससे पहले कि वो अदालत तक पहुंच पाते जो प्रेसिडेंट थे तो अपने आप उनकी जान गई बाकी उन लोगों में से अलग अलग किस्तों में शायद आठ या नौ लोगों को फांसी दी गई आखिरी एक फांसी तो शेख मुजीब के कत्ल में शामिल एक वहाँ के आर्मी के बड़े अफसर को अभी इसी साल अप्रैल में दी गई जो पच्चीस साल से करीब वेस्ट बंगाल अपने इंडिया में छुपा हुआ था और मार्च में ही बांग्लादेश लौटा और मार्च में ही गिरफ्तार हो गया और अप्रैल में फिर उसको चूँकि कोर्ट ने वहाँ की पहले से ही फांसी दे रखी थी तो इसी अप्रैल में उसे फांसी दी गई पच्चीस साल तक इंडिया में वो छुपा हुआ था <coughs> तो खैर शेख मुजीब की कहानी और उनके कत्ल की कहानी फिर किसी दिन तो ये कहानी थी बांग्लादेश के जेल के अंदर हुए अब तक के सबसे बड़े कत्ल की जिसमें इतने बड़े लीडर्स को एक साथ जेल के अंदर जाकर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के हुक्म पर आर्मी के सीनियर अफसरों ने गोली मारी और फिर बांग्लादेश छोड़ा और वहाँ से देश छोड़कर निकलकर दूसरे देश चले गए आज भी वैसे शेख मुजीब के कई कातिल जो हैं वो कहते हैं अलग अलग देशों में छुपे हुए हैं और इस जेल कांड के भी कई कातिल, बाकी करीब पंद्रह लोग तो फांसी की सज़ा हुई थी उसमें से सभी को फांसी हुई नहीं अभी तक तो ये थी कहानी पूरी अब जो नोट करके लाया हूँ कैलाश जाखड़ साहब हैं ये ये तनात मंदिर की कहानी सुनना चाहते हैं शायद राजस्थान में जैसे कहते हैं कि यहाँ पे कभी भी जो एक देवी की कृपा है कि इस मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना जब भी आती है तो मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि यही रक्षा करती है तो ये कहानी है पूरी मैं इस जगह गया हूँ तो मैं जल्दी आपको कहला जी ये कहानी सुनाता हूँ विशाल गुप्ता है और ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी की कहानी सुनना चाहते हैं इंजमाम है भागलपुर से और बिहार की कोई कहानी सुनना चाहते हैं कई सुना चुका हूँ लेकिन इंजमाम साहब एक और सुनाता हूँ आपको तेंजिंग चौदप हैं इसके अलावा शिवा जायसवाल हैं गोरखपुर से इसके अलावा सुखजोत सिद्धू है और ये बिगेस्ट बैंक रॉफरी अब इंडिया की कहानी सुना चाहते हैं तो सुखजोत जी मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ ये शायद पंजाब में ही कहीं हुआ था मनोज सजदेवा है बहरीन से और ये अपने एक पाकिस्तानी दोस्त के साथ कहानी सुनते हैं इनकी शिकायत ये है कि हिंदी में जो लिखा आता है इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं कई लोगों ने यह कहा है मनोज साहब इसको कुछ करता हूँ मैं अमितांशु शेखर हैं नारायण पारिक हैं और इन्होंने शिकायत की कि इनकी एनिवर्सरी गुजर गई और विश नहीं किया तो बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नारायण पारीख साहब आप दोनों को इमरान हैं झारखंड से इसके अलावा नील चौहान हैं ये एम्स में हैं और आजकल कोरोना के पेशेंट की सेवा में लगे हुए हैं तो नील चौहान साहब थैंक यू वेरी मच यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तृष्णा चौधरी हैं ये अपनी माँ के साथ कहानी सुनते हैं दोनों तो शौक से असम से हैं ये प्रवीण उप्रेती हैं नेपाल से हैं लेकिन अभी यूके में रह रहे हैं ज्योति श्रीवास्तव हैं हैदराबाद से इन्होंने बड़ा अच्छा मेल लिखा है ज्योति का ये कहना है कि क्राइम तक की कहानी सुन सुनकर इतना इंस्पायर्ड हुई कि इन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी है और इनका कहना है कि हालांकि शादीशुदा हैं लेकिन इनके हस्बैंड और इनकी मदर इन लॉ उन दोनों ने बड़ा सपोर्ट किया और इसी वजह से उन दोनों की वजह से इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया पढ़ाई करने तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति जी आप पढ़ाई कीजिए कानून की पूरी जानकारी रखिए अच्छी चीज़ है और हैदराबाद से हैं ये राकेश पाठक हैं वाराणसी से हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं और मुलाकात भी करनी है इनसे जल्दी ओके पूजा आनंद हैं इन्होंने नाराज सही है कि मेल का आप रिप्लाई नहीं करते कई बार हो जाता है पूजा जी शुभम रोहित हैं और ये कोई हाँ कोसी रेल एक्सीडेंट की कहानी सुनना चाहते हैं ये बेगूसराय से हैं फरहान अहमद हैं सत्येंद्र मिश्रा हैं और ये चंद्रिका राय मर्डर केस की कहानी सुनना चाहते हैं दीपांशु श्रीवास्तव हैं अलाहाबाद से ललित कुमार हैं और रमा अजनेरिया हैं इसके अलावा बाबा बाबर खान हैं जो रमन राघव की कहानी सुनना चाहते हैं पता नहीं सुनाया कि नहीं रमन राघव की कहानी सुना चुका हूँ मैं बाबर खान साहब आप देखेंगे तो मिल जाएगी लिस्ट में योनोुद्दीन सैयद हैं और दो स्टोरी इन्होंने भेजी है फरवाइफ़ की है मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको अर्पित चौहान हैं कृष्ण कुमार हैं ये अपने सेना में है आर्मी में और ये बिहार आई एस अफसर है उनकी वाइफ की रेप की स्टोरी एक इंसिडेंट हुआ था वो जानना चाहते हैं तो कृष्ण जी मैं जल्दी उस पर रिसर्च करके आपको सुनाता हूँ और आप थैंक यू वेरी मच सरहद पे आप लोग अपनी जिस तरीके से ड्यूटी देते हैं अजय भोवाल हैं ईटानगर से ये एक इसरो स्पाई इस केस था साइंट उसका उसकी कहानी सुनना चाहते हैं हर्ष भारद्वाज हैं इसके अलावा हीरा व्यास हैं ऑपरेशन टाइगर कब सुनना चाहते हैं आनंद जोशी हैं जोधपुर से इसके अलावा आक़िल अहमद हैं ये अभी लॉकडाउन में फंसे हुए थे बड़े ज़माने के बाद किसी तरह से अब ये घर पहुँचे मेल आया कि अभी बीवी बच्चों के साथ हूँ तो अच्छा लग रहा है तो चलिए हम सब की यही दुआ आप लोग सब सही से रहे हैं इसके अलावा आज डॉक्टर दिव्यजीत कौर भट्टी इनका जन्मदिन है तो बहुत बहुत डॉक्टर दिव्यजीत कौर भट्टी जी आपको हैप्पी बर्थडे किरण कौर ने भेजा था श्रेया दत्ता हैं इनका भी जन्मदिन और बहुत बहुत बधाई राम रंजन मंडल ने भेजा इसके अलावा दिव्या इनका भी जन्मदिन मनोज पॉल ने भेजा और साथ में शांत नाम श्रीवास्तव इनका भी जन्मदिन है शिवम श्रीवास्तव ने भेजा तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे और हमारी ख़ास क्राइम टाइम पूरी तक की फैमिली की मेंबर हैं और आदरणीय भी हैं और हमेशा रेगुलर हैं वो बहुत मेल करती हैं कई बार हम लोग रिप्लाई नहीं कर देते हैं तो मीता भट्टाचार्य जी और सुबीर भट्टाचार्य जी इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है तो बहुत बहुत दिल से वाकई आप दोनों को बधाई मीता जी और सुबीर जी आप लोग हमेशा अच्छे रहें और हम लोग को इसी तरह आशीर्वाद देते रहें दुआएं देते रहें तो मुझे अच्छा लगा और जिस तरीके से आप भेजती हैं एक खास मेल एक ख़ास मेल आखिर में सिर्फ़ एक मनोज बोरा हमारे क्राइम तक फैमिली के मेम्बर हैं इन्होंने एक शिकायत भेजी और वो शिकायत ये है कि आप सभी लोग हमेशा हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इग्नोर करते हैं उसकी स्टोरीज़ नहीं सुनाते दिखाते नहीं हैं क्या सिर्फ दिल्ली मुंबई यही इंडिया है कई बार मुझे लगता है मनोज बोरा जी आपके अलावा और भी लोग हैं कि कुछ हद तक आप लोग सही हैं कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इंडिया पे फोकस बहुत कम होता है Uh, कई बार जानबूझ के ऐसा नहीं होता या मकसद या नीयत ऐसा नहीं होता लेकिन हो जाता है uh, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम ऐसी शिकायत आप लोगों को ना हो मनोज बोरा की शिकायत जनमिन भी है इसलिए है कि उन्होंने बताया कि आसाम में एक तेल के गैस या कुएं में आग लग गई थी और पिछले करीब चौदह दिन तक वहाँ से गैस लीक होता रहा फिर एक धमाका हुआ और उस ब्लास्ट में करीब उसके आसपास के सोलह सौ सो घर उजड़ गए बर्बाद हो गए वो लोग वहाँ के बेघर हो गए और उससे बड़ी बात यह है कि आसपास में बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो भी इस ब्लास्ट धमाके में उन नुकसान हुआ तो ये सारी चीज़ें हैं और ये कहीं नेशनल मीडिया पे उस तरीके से ये खबरें नहीं आई ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन मनोज जी मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की चीज़ें जो है मत, मतलब देश को लेके भेदभाव नहीं किए नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है या साउथ है ऐसा नहीं सब बराबर होने चाहिए तो आज कहानी में इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात नौ बजे किसी नई कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच